हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैपिटल और करेंसी, जो सारे महत्वपूर्ण कंट्री हैं इंडियन परस्पेक्टिव से, मतलब इंडियन के दृष्टिकोण से, जिससे इंडिया का अच्छा ट्रेड होता है, अच्छा रिलेशन है या अच्छे संबंध है। तो हमारा फर्स्ट कंट्री है आज इजराइल। इजराइल जो है मिडिल ईस्ट में बसा हुआ है। ये इसका कैपिटल जो है जेरूसलेम है। इसकी करेंसी सकेल है। अब ये सकेल आप कैसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे। सकेल याद, ट्रिक बताता हूं आपको। इजराइल के लोग बहुत ही सक्की होते हैं। कैसे होते हैं? सक्की होते हैं। तो सक्की से क्या हो गया, सकेल। तो इजराइल के लोग सक्की होते हैं, इसलिए करेंसी वहां करेंसी क्या है, सकेल है। वहां के लोग सक्की होते हैं, इसलिए करेंसी वहां क्या है, सकेल है। इसका जो बाउंड्री मिलता है इजिप्ट से, मेडिटेरियन सी, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया से। नेक्स्ट कंट्री है मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। इसकी जो करेंसी है रिंगिट। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे, अब याद हम बताता हूं आपको। मलेशिया के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मलेशिया के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसलिए वहां करेंसी क्या है, रिंगिट। इसलिए वहां करेंसी क्या है, रिंगिट। ये बेसिकली इंडियन ओशन में बसा हुआ है। इसका कैपिटल बता दिया मैंने आपको, कुआलालंपुर है। इसके वन साइड ब्रुनो है, वन अदर साइड इंडोनेशिया, जो कि इसका आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड है इसका, इंडोनेशिया का, उससे बॉर्डर लगता है। इसके लास्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं क्या आप, सिंगापुर भी है। ये भी जैसे अदर कंट्री है, इंडोनेशिया एज अदर कंट्री, और ये ब्रुनो भी एक अदर कंट्री है। इधर भी इंडोनेशिया है। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, जकार्ता। इसी करेंसी है रुपया। इसी करेंसी क्या है, रुपया। रुपया, अब इसको याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मतलब कि इंडिया ही एशिया में दूसरा है, दूसरा इंडिया एशिया में है। यू कैन से कि दूसरा एक इंडिया जो एशिया में बसा, उसका नाम है इंडोनेशिया। वहां करेंसी भी क्या होगी, सेम ही होगी, जस्ट लाइक इंडिया, रुपया। इंडिया के रुपया और यहाँ क्या है, रुपया। बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। इसे कैपिटल बता दी मैंने, वो जकार्ता है। इसका एक इम्पोर्टेंट एक आइलैंड भी है, इसका बाली, जहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो है वो हिंदू हैं। एक मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ जो आइलैंड है बाली, वहां पे मैक्सिमम हिंदू रहते हैं। नेक्स्ट कंट्री है रसिया। रसिया का कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को यहाँ दस्ते यहाँ पे है। इसका बहुत कंट्रीज का मिलता है बॉर्डर, जैसे कि आप देख सकते हैं फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, और इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन। यहाँ तक इसका यूनाइटेड स्टेट्स से भी थोड़ा सा मिलता है। ये बहुत इसका जो बेरिंग्स चीज को अलग करता है। इसकी करेंसी है रूबल। रूबल, अब इसे बहुत ही याद कर सकते हैं इस तरह से, रूबल। वहां के लोग कैसे होते हैं, बलवान होते हैं। वैसे लोग कैसे होते हैं, बलवान होते हैं। क्या होते हैं, रूबल। इसलिए करेंसी भी क्या है, ये आ गया रू, रस यहां से रू और बल, रसिया का रू और बल, रूबल।
नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा कैपिटल है ओटावा। कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा। इसकी करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। इसको आप इस तरह से याद सकते हैं कि जैसे ये बिल्कुल ही नेबर ऑफ किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स। वहां की भी करेंसी डॉलर और कनाडा के भी करेंसी क्या है? डॉलर। फर्क सिर्फ इतना है, ये है कनाडियन डॉलर, वो है यूएसए डॉलर। हालांकि इसका ज्यादातर इसके एक तरफ है ये इसका पैसिफिक ओशियन, दूसरी तरफ है ये आर्कटिक ओशियन, और तीसरी तरफ इधर भी इसका एक है, इधर है क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बहुत ही नॉर्थ अमेरिका में, ये दिस लाइज इन नॉर्थ अमेरिका, और जो है काफी डेवलप कंट्री है, और नॉर्थ अमेरिका की दोनों में से यूनाइटेड स्टेट और कनाडा दोनों दोनों ये डेवलप कंट्री है। और कनाडा में, कनाडा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा में परसेंटेज ऑफ इंडियन आर वेरी हाई, मतलब इंडियंस बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे, और खास करके यहाँ तक कि सेकेंड लैंग्वेज यहाँ की पंजाबी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंट्री है ब्राजील। ब्राजील पहले इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन प्रश्न बताता हूँ आपको। ब्राजील जो है, ब्राजील इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री। ब्राजील जो है ब्रिक्स में शामिल है। ब्राजील जो है, ब्राजील से और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, और इसका जो है कैपिटल जो है इसका है ब्राजीलिया। इसी करेंसी जो है रियल, इसी करेंसी जो है रियल, ब्राजील, ब्राजील करेंसी क्या है? रियल। मतलब यहाँ के लोग काफी वास्तविक होते हैं, इसलिए करेंसी भी यहाँ क्या है? रियल, नो छल कपट। ब्राजील लोग कैसे होते हैं? नो छल कपट नहीं जानते, रियल होते हैं लोग, वास्तविक लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, इसलिए करेंसी क्या है यहाँ? रियल। नेक्स्ट कैपिटल अपना है, सॉरी नेक्स्ट कंट्री जो अपना है वह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ब्रिक्स शामिल है, दूसरा इंडिया से रिलेशन काफी अच्छे इसके हैं, और तीसरा ये साउथ सॉरी अफ्रीका के ये सदर्न मोस्ट पॉइंट पे बसा हुआ है, और इसमें एक खास ये भी है कि इसके अंदर कंट्री है जो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से चारों तरफ घेर रखा है, वो लिसोटो। ये रहा लिसोटो आपका, जिसको चारों तरफ से साउथ अफ्रीका घेर रखा है। इसमें एक खास और इंपॉर्टेंट चीज है, तीन कैपिटल है, एक है प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफोंटेन। इसके तीनों जो कैपिटल है, प्रिटोरिया जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, क्यों? यहाँ पे जो प्रेसिडेंट यहाँ पे ही रहते हैं, और केपटाउन में लेजिस्लेटिव है जहाँ पार्लियामेंट इसका है, और ब्लूमफोंटेन में क्या है? इसके सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए इसे जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है। और ये तीन कैपिटल इसके हैं, थ्री कैपिटल्स, साउथ अफ्रीका के थ्री कैपिटल्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका जो करेंसी का, तो करेंसी क्या है इसका? रांड। रांड से सोचते हैं कि यहाँ के लोग देखने में राक्षस होते हैं। अब राक्षस हैं तो करेंसी भी यहाँ क्या है? आर से राक्षस, आर से रांड, इस तरह याद रखते हैं इसको, आर से राक्षस, आर से रांड। लंबे लंबे से काले काले होते हैं, देखने बहुत ही भयावह होते हैं, तो इस तरह से आप याद रखते हैं कि वहां की करेंसी क्या है? रांड। नेक्स्ट कंट्री जो अपना है वो है वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल है हनोई। अब वियतनाम क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि ये इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ये यहां से बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश की जा रही है, और दूसरा चीज ये भी है कि वियतनाम भी जो है चाइना से कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि आए दिन चाइना से कन्फ्रंट होते रहते हैं, मतलब छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, और इंडिया का जो ओएनजीसी की यहाँ पे ओएनजीसी के यहाँ पे प्लांट भी, यहाँ पे ओएनजीसी भी लगा रहा था अपना तेल को खोजने के लिए, यहाँ सम प्लेस इन हियर यू कैन से, और इससे इससे भी, और जो इस पे चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है, लेकिन जो है वियतनाम करता है मेरा, और उसके हिसाब से ओएनजीसी ने यहाँ पे लगाया हुआ अपना तेल खोजने के लिए, और जो है और इसलिए भी वियतनाम काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसे करेंसी, इसे कैपिटल क्या है? हनोई।
और इसकी जो करेंसी है वो है डोंग। करेंसी क्या है इसकी? डोंग। इससे याद रख ले आपको डोंग। नेक्स्ट जो कंट्री अपना है वो है जापान। जापान भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से काफी इसके हमेशा इंडिया जापान का बायलैटरल एक्सरसाइज करते रहते हैं, मतलब यहाँ की आर्मी, यहाँ के नेवी और जापान की नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज करते रहते हैं। जिससे कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी इसकी ही येन। और जापान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जापान से ही बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और जापान काफी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे। इसका भी चाइना से काफी झगड़े रहते हैं। और जो इसके इधर जो कुछ आइलैंड्स हैं साउथ ईस्ट चाइना सी में, जो हमेशा चाइना क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है। नेक्स्ट कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ की जस्ट इसकी इसकी जो पड़ोसी है वो है नॉर्थ कोरिया। और ये नॉर्थ कोरिया साउथ दोनों मिलाकर कहते हैं कोरियन पेनिसुला। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आए दिन हमेशा इस पे झगड़ा चलता रहता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में चलता रहता है फाइट, उस तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी चलता रहता है। और इसका जो कैपिटल है सियोल और करेंसी इसका है वॉन। और दूसरा चीज ये भी है कि साउथ कोरिया ने भी काफी पैसे इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। साउथ कोरिया कुछ इंपोर्टेंट कंपनी इंडिया में जो लगी हुई है वो, जैसे में जैसे कि पॉस्को, वो जापान कंपनी है पॉस्को, सॉरी जापान बोल रहा हूँ, ये साउथ कोरिया की कंपनी है पॉस्को जो इंडिया में लगी हुई है। तो इस तरह से काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया। थैंक यू फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।